बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट शून्यता से, एक शून्यता का छोटा सा सेशन जरूर करेंगे। जिस तरह जब हम वेइंग मशीन पे होते हैं, वजन तोलते हैं, तो मान लीजिए किसी का वजन 80 किलो है, तो अगर वो उतर जाता है और वो वेइंग मशीन जीरो पे नहीं जाएगी तो फिर दूसरे पर्सन का वजन प्रॉपरली नहीं तोलेगा। इसलिए हमें अपना वो जो वेइंग मशीन है उसको जीरो करना जरूरी है। इसी तरह डॉक्टर लिम के द्वारा इतनी बढ़िया टेक्निक जो हम लोगों को इतने सरल तरीके से सिखाया गया, हम हर मीटिंग को शुरुआत इससे करते हैं जिससे हमारा वो जो वेइंग मशीन है वो जीरो पे चला जाए और जो बातें आज हम इस टॉपिक के दौरान सीखेंगे जानेंगे वो हमें सहजता से आसानी से हमें याद भी रहे और वो हमारे अंतरंग में मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक, कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड में भी प्रवेश कर जाए और हम लोग एक निश्चित जो हमारा सफलता है उसको पाए। तो इसके लिए सभी लोग अपना आंखें बंद करें, आंखें थोड़ा सा बहुत मामूली सा खुला भी छोड़ सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके दौरान हमें शून्यता में 9 से लेके 0 पे जाना होता है, एक सांस आता है और एक सांस जाता है, ये एक नंबर काउंट होता है। इसको बाद में हम घर पे 29:0 भी कर सकते हैं और बाद में 99:0 भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप रोज करें, बहुत ही एनर्जेटिक है, हम सब लोगों करते हैं और उसी का हमें बहुत फायदा भी है। सो शैल वी स्टार्ट? और आर ओके, एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर हम शून्यता के लिए रेडी हैं। ओके, सो क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ। जीरो, उसके बाद अपने दोनों हाथों को रख करके आराम से आप इस टेक्निक के द्वारा हमें बहुत ज्यादा चार्ज रिचार्ज होने में मदद मिलती है दोस्तों, और होपफुली हम सब लोग ये कर रहे होंगे। सो हमारा जो आज टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, इसका नाम है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बिना कुछ संभव नहीं है दोस्तों। कल जो हमने बात करी थी वो बात करी थी सपनों के निर्धारण पे, सपने और ड्रीम्स के ऊपर, कैसे सपने देखने हैं, कैसे बनाने हैं, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको उन सपनों को एक डायरी में नोट करना है। तो आशा करता हूं बहुत सारे लोगों ने उसको नोट किया होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने नहीं भी किया होगा, उन्होंने सोचा होगा एक जर्नल मीटिंग है, सही है, एक कोई लीडर सक्सेसफुल लीडर बोलता है, सही है, मेरे सपने तो मेरे दिमाग में हैं। तो दोस्तों आज की इस मीटिंग के बाद आपको वो मिथ्या अपने मन से निकालना है, वो दिमाग के सपने दिमाग में ही रहने दो, उन्हें पेपर पेन पे नोट करो, अभी भी नहीं करे हैं तो आज कर लो, और साथ ही साथ में अब उसको तरीका से जानेंगे कि उन सपनों को किस तरह से हमें ड्राफ्ट करना है और किस तरह से उनका अचीवमेंट करना है। सो ये टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, गोल सेटिंग। दोस्तों जिस प्रकार मैंने आपको बताया था लॉकडाउन खुलते ही ये बुक आपके लिए आ जाएगी, इसमें इस टॉपिक के द्वारा आपको मदद मिलेगी ऑटो मोड पे अपने बिजनेस को डालने की। ऑटो मोड मतलब कि ऑटोमेटिकली जब मैं कैमरे से फोटो खींचता हूं तो मैं अगर अपने कैमरे को ऑटो पे डाल देता हूं तो जहां फ्लैश की जरूरत होती है वहां वो फ्लैश लेता है, जहां जरूरत होती नहीं लेता है। तो ये मदद करेगी बुक, और इसी बुक का जो हमारे वो 14th स्टेप है जिनमें से हम सपनों के निर्धारण पे बात कर चुके हैं, अब दूसरा टॉपिक है लक्ष्य का निर्धारण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लक्ष्य का निर्धारण। उस लक्ष्य के निर्धारण में लगभग 6 पेज में हमने वो कवर किया है, कैसे आप लक्ष्य का निर्धारण करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे उनको लिखना है, वो आज हम जानेंगे थोड़ा सा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक
छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। बहुत से लोगों ने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी बचपन में, लेकिन अब आपको इस कहानी को मेरे नजरिए से, इस कहानी को ड्रीम और गोल सेटिंग के नजरिए से आप समझिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जंगल में दो बहुत एनिमल, दो जानवर हैं, एक खरगोश है और एक लोमड़ी है। अब वो दोनों जो है थे एक बार, तो एक लोमड़ी को भूख लगी और उसने सोचा चलो पेट भरा जाए, तो उसने शिकार के लिए, उसे एक खरगोश की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी, तो उसने खरगोश को देखा और उसके पीछे वो भागी। इतना तेज दौड़ी वो लोमड़ी और खरगोश भी बहुत तेज दौड़ा। खरगोश छोटा छोटा था, लोमड़ी के पैर बड़े थे, लोमड़ी के हाथ बड़े थे, नाखून बड़े थे लोमड़ी के, और बहुत चपल भी थी, पर फाइनली जो है वो खरगोश से जीत नहीं पाई और खरगोश जो है अपने बिल में छुप गया। दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी और इसमें जीत खरगोश की होती है। अगर हम देखें तो क्या हुआ, लोमड़ी गई खरगोश के पास और बड़े डरते डरते खरगोश ने, तो लोमड़ी ने कहा नहीं नहीं मैं तुझे खाऊंगी नहीं, बट मुझे एक चीज का जवाब आज दे दे, मैं कई बार देख चुकी हूं जब मैं तेरे पीछे दौड़ती हूं तो तू जीत जाता है और मैं हार जाती हूं। तो खरगोश ने कहा नहीं नहीं मुझे पता है तू बहुत चालाक है और तू कोई बहानेबाजी करके मुझे खा लेगी। उसने कहा नहीं नहीं कछुआ, अब तो मैं हार गई हूं, पर तू मुझे प्लीज बता दे कि क्या वजह है कि मैं हार जाती हूं और तू जीत जाता है। उसने कहा हम दोनों के बीच में एक गोल था, एक हमारा टारगेट था, तेरा टारगेट था मुझे खाना, तेरे पैर भी बड़े थे, तू नुकीली भी थी, खुंकार भी थी, वाइल्ड थी, तू जंगली थी, और मैं एक सिंपल गाजर खाने वाला शाकाहारी आदमी बच्चा था और मैं जीत गया। मेरा भी गोल था एक, तेरा गोल था सिर्फ एक समय के लिए अपनी नीड पूरी करने के लिए, और मेरा सपना था अपनी जान बचाने के लिए। मेरी लाइफ दांव पे लगी हुई थी, अगर तू मुझे पकड़ लेती तो मुझे खा जाती। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ा कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना विशाल हूं, मैं कितना नॉलेजेबल हूं, मैं कितना पैसे वाला हूं, मेरा कितना रसूख है, औदा है। फर्क इस बात से पड़ रहा है मेरा पर्पस क्या है, और मेरे पर्पस, जब हम दोनों के इस पर्पस में जीत नीड की नहीं हुई, लाइफ की हुई, पर्पस मेरा ज्यादा बड़ा था। पर्पस बड़ा अगर आपका होगा तभी आप डीएक्शन में सफल होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज आप भी सिर्फ जरूरतों के लिए अगर काम करेंगे, कुछ 10-20 हजार रुपए के लिए काम करेंगे, कुछ छोटे मोटे सपनों के लिए काम करेंगे, तो शायद आप छोटे मोटे सपने पा भी लो, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत आप नहीं जीत पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये समझने में मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, विदाउट बोल एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ 11 होते हैं, कुछ रेफरी होते हैं और बहुत सारे लाखों करोड़ों दर्शक होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कितनी महत्ता है उस फुटबॉल मैच में दो पोल्स की। वो पोल को आप उखाड़ के अपने घर पे रख दीजिए, अब बोलिए उनसे फुटबॉल खेलिए। दोस्तों, वो फुटबॉल मैच नहीं रहेगा, कोई चार्म नहीं रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और फाइनली कोई भी विजेता नहीं रहेगा। बस 21-22 प्लेयर आपस में बॉल इधर से उधर पासिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह इस गोल सेटिंग के टॉपिक से हम जानेंगे किस तरह से आज अपनी लाइफ में इन पोल्स को स्टैंड करना है। आर यू रेडी? आप सब लोग तैयार हैं? वेरी गुड। दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने ये काम कर भी लिया है। और एक और चीज जो मिसिंग मैं देखता हूं कि गोल, ड्रीम और गोल सब बन भी जाते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, एक चीज मिसिंग होती है और उस मिसिंग चीज का नाम है माय डियर फ्रेंड्स बर्निंग डिजायर। उसके बाद आपकी उस गोल सेटिंग में आपकी बर्निंग डिजायर कितनी है, ये भी बहुत जरूरी है। वो भूख, वो आपके अंदर आग, वो आपके अंदर ज्वलंत इच्छा कितनी है उस अपने गोल को पूरा करने के लिए। अगर आपने गोल बना लिया है और लिख भी लिया है और वो बर्निंग डिजायर आपके अंदर नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स कई बार वो गोल गोल ही बन के रह जाता है, वो यथार्थ में, हकीकत में नहीं आ पाता। दोस्तों, गोल के लिए जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था, आपका सपना होने चाहिए, बहुत सपने होने चाहिए, और सपने आपके बड़े भी होने चाहिए। उन बड़े सपनों को हमें गोल में सेट करना है और फिर हम उसका एक्शन लेंगे। ये भी जानेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स, जो आप आजकल जूम मीटिंग्स में सीख भी रहे हैं एक्शन कैसे लेना है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट डिफरेंट सक्सेसफुल लोग आपको सिखा रहे हैं। तो ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर एक गोल, जो आपका गोल है, अगर वो एक प्लान उस पर आधारित नहीं होगा, तो सिर्फ एक वो एक इच्छा रह जाएगी, एक विश रह जाएगी, और दोस्तों वो विश से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक
प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान पे हम चर्चा करेंगे। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, फेलिंग टू सेट अ गोल इज लाइक टर्निंग अप टू द एयरपोर्ट विदाउट अ टिकट। अगर आपका गोल नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और आपके पास कोई भी टिकट नहीं है। एयरपोर्ट पे पहुंच जाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन का टिकट होना जरूरी है, तभी आप उस जगह ट्रेवल कर पाएंगे। इसलिए आपको दोस्तों आज ये गोल सेटिंग मदद करेगा। एक और बात, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये लक्ष्य बनाने की, गोल बनाने की महत्ता का पता लगे, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर से, डिफरेंट डिफरेंट लीडर से, आप अपनी लाइन से ये बातें हजारों बार सुनी होंगी कि भैया सपने हैं तो सपनों को आप गोल में बनाओ। अरे यार ये तो कहते ही रहते हैं, इनका काम ये कहना है, कई बार लोग नहीं करते इतना समझाने के बाद भी। तो ये एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो कहानी आपको बता रहा हूँ, शायद आपके मन में ये बहम टूट जाए, ये भ्रम टूट जाए कि नहीं अब तो मुझे फाइनली गोल बनाने ही होंगे, प्रॉपरली गोल बनाने ही होंगे। तो दोस्तों बिना लक्ष्य के जीवन, बिना गोल के जीवन एक ऐसा है जैसे बिना पते के लिफाफा। और आप इमेजिन कर सकते हैं एक बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट आपने एक लिफाफे में रख दिए और आपने उस पर पता डाला ही नहीं, और जब पता ही नहीं डाला तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने जगह पे पहुंच जाएगा। सो दोस्तों इसलिए आपको अपने गोल बनाना जरूरी है। गोल्स आर ड्रीम्स विद ए डेडलाइन। ये जो ड्रीम हमने देखे थे, जो ड्रीम हम देख रहे हैं, या जो आने वाले टाइम में हम ड्रीम, हमारे जो सपने होंगे, वो जब गोल्स बनाएंगे और उनके पीछे एक डेडलाइन होगा तो ही वो एक गोल बनेंगे और तभी अचीवमेंट आएगा। सो दोस्तों दिस इज द टाइम टू सेट गोल। ये बहुत प्यारा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, जिसमें आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं। और आई टेल यू वन मोर थिंग, मुझे नहीं पता आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज तो बहुत सारे लोगों के आए, इनफैक्ट कई लोगों ने तो अपने ड्रीम्स के स्क्रीनशॉट फोटो खींच के मुझे भेजे भी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इन दो दिन में, मुझे कई लोगों ने अपना ड्रीम्स के टॉपिक के बाद कई लोगों ने मुझे रेस्पॉन्स भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों आज ये जो गोल सेटिंग की बात मैं कह रहा हूं, ये जिन लोगों ने ड्रीम नहीं भी लिखे थे अपनी डायरी में, अब टूडे नॉट टूमारो, ये कल पे मत टाल देना इस काम को, आज रात में सोने से पहले पहले तक ये आपका काम हो जाना चाहिए, और उसके बाद ये प्रोसेस रेगुलर जारी भी रहना चाहिए। दोस्तों हु सेट गोल्स, कौन लोग गोल सेट करते हैं, और आपको ये देखना होगा मैं किस घेरे में आता हूं, मेरा नंबर कहां पे आता है, किस परसेंटेज में मैं हूं। 87% लोग, एक स्टडी हुआ है, उस स्टडी में 87% लोग वो लोग थे जो गोल नहीं बनाते थे। जैसे हमारे बीडीएक्शन में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं पर वो अपने गोल्स नहीं बनाते हैं। 10% लोग डू सेट गोल्स, वो गोल सेट करते थे बट वो लिखते नहीं थे। अगेन ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं। आप देखना मैं कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे हूं, 87% पे हूं, 10% पे हूं, कि मैंने अपने ड्रीम बनाए तो, गोल बनाए तो, लेकिन उन्हें लिखे नहीं, बार बार कहने के बाद भी नहीं लिखे। और 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल बनाते हैं और उन्हें लिखते भी हैं। आपको देखना होगा आप कौन से वाले परसेंटेज पे हो, 3%, 10% और 87%, इट्स अप टू यू। और आप आज से जो भी इस परसेंटेज पे हो, लेकिन आफ्टर दिस टॉपिक आप 3% वाले में अपने आप को सेट कर दो। हाँ आपके गोल भी हैं और वो आपके राइट डाउन भी है, वो नोट भी है। दोस्तों अगेन आपने एक जो ड्रीम डायरी बनाई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, लोगों ने मुझे भेजी है वो अपने कि हाँ सर हमने बना ली है, कई लोगों ने उसको भेजा भी है, रेस्पॉन्स भी भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन दोस्तों नाउ योर ड्रीम डायरी बिकम गोल डायरी, या तो आप एक कोई और दूसरी डायरी ले लीजिए या उसी डायरी में कुछ पन्ने छोड़ के अगेन अब आप उसको गोल डायरी में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। राइट तो ये गोल डायरी कैसे बनेगी, इस पे भी हम एक एक चीज को डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी गोल डायरी बनानी है। दोस्तों गोल डायरी में मेक ए लिस्ट ऑफ योर व्हाई। आप इस, अब इस गोल डायरी में क्या, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों आपको करना है डीएक्शन, क्या आपके जीवन में क्यों आपने तलाश लिया है, वो आएंगे। आपकी वॉन्ट्स क्या है, आपकी चाहते क्या है, वो चीज आएगी जब वो चीज आप किसी दूसरे के पास देखते हो, वो आपके सामने से कोई चीज निकलती भी जाती है तो आपको भी ये फील होता है यस ये चीज काश मेरे पास भी होनी चाहिए थी। आपकी डिजायर, आपकी जो इच्छा है, ज्वलंत इच्छा है, डिजायर, आपकी डिजायर है उस लिस्ट में होनी चाहिए। आपके ड्रीम, वो सपना, वो कभी सोचा हुआ सपना, यस ऐसा मैं करूंगा, कभी मेरे पे पैसा होगा, कभी मेरे पे ये होगा तो मैं ऐसा करूंगा, वो उस लिस्ट में आएगा। आपका टारगेट क्या है, यस मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट को मुझे पूरा करना है, तो जाके आपको लो एक गोल बनाना है। एंड ये लिस्ट बनाने के बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट।
एक मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं दोस्तों, मैंने एक बात बोली यहाँ पे, फोकस ओनली व्हाट यू वांट। आपको फोकस उस चीज पे ही रखना है जो चीज आप चाहते हो। अगर आप देखें हम गलती क्या करते हैं, हम कई बार ये गलती करते हैं, हम जीवन में जो चीज नहीं चाहते हैं हम कई बार उस चीज पर फोकस रखते हैं। दोस्तों जो चीज हम चाहते हैं उस पे फोकस रखने से ही आपको फायदा होगा। जो चीज नहीं चाहते उस पे ज्यादा मत सोचिए, उस पे ज्यादा ध्यान मत लगाइए। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उस पे ज्यादा दिमाग लगाने से ही आपके अंदर अचीवमेंट आएगा। दोस्तों इट्स ए ड्रीम अंटिल यू राइट इट डाउन देन इट्स ए गोल। वो सपना जो आपने जब तक लिखा नहीं वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। और गोल्स जैसे मैंने अभी बताया भी था, गोल्स आर ड्रीम विद डेडलाइन। डेडलाइन होना जरूरी है, अभी जानेंगे और आगे कैसे। आपके गोल को, आपका वो जो सपना था उसे गोल में बनाने के लिए सबसे पहला पायदान है स्मार्ट। इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मींस एस स्टैंड स्पेसिफिक। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन लेटर। वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो एम फॉर मेजरेबल, वो नापने वाला होना चाहिए, राइट। जी फॉर एम एस एम ए फॉर वो अचीवेबल होना चाहिए, अचीव करने वाला होना चाहिए। आपने पहले ही दिन एक सपना बना लिया, यस मुझे तो एक बहुत जो है 10 करोड़ का एक वो चाहिए, या जो अचीव नहीं होने वाला ऐसा सपना को गोल बनाने से कोई फायदा नहीं है। आर स्टैंड रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आपने एक सपना बना लिया, हाँ भाई मेरी शादी जो है ऐश्वर्या राय से हो जाए, दीपिका से हो जाए, ऐसा कोई रियलिस्टिक सपना कोई सेंस नहीं बनता है। इट शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो। और टी स्टैंड टाइम बाउंड, और वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए दोस्तों। इट शुड बी टी, वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए वो सपना। तो इस तरह से हम अपने सपने को स्मार्ट के रूप में देंगे। एस स्टैंड स्पेसिफिक, आई रिपीट अगेन, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। जब ये चीजें होंगी तो जाके आपका वो सपना, वो चीज पूरी हो पाएगी और आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इज हाउ टू राइट ए प्रॉपर गोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपना गोल को कैसे लिखना है। बी टाइम स्पेसिफिक, ये एक जरूरी है, एक समय अवधि का देना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा समय अवधि नहीं देंगे तो वो चीजें पूरी होने, वो गोल नहीं बनेगा, फिर वो सपना ही रह जाएगा। वाई यू वॉन्ट टू अचीव दिस गोल अगेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपको ये लिखना है क्यों आपको ये गोल चाहिए। जब तक कई बार हम वो क्यों नहीं लिखते हैं, अगेन उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है। आपको ये लिखना है ये क्यों मुझे चाहिए। स्पीक इन प्रेजेंट टेंस, अगेन एक बहुत अच्छी बात है। आपको प्रेजेंट टेंस में, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है लक्ष्य, वो जब मैंने पढ़ी थी उसमें बात साफ लिखी हुई थी कि आप अपने लक्ष्य को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूं तो आप, या एक घर खरीदना चाहता हूं और वो चाहता हूं मैं दिसंबर 2020 में चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो मैं एक घर सो एंड सो एक दिसंबर 2020 में ले लूंगा, ऐसे नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है मैंने वो घर ले लिया, मैंने 1 दिसंबर 2020 को वो घर ले लिया है। यू फील लाइक वो अचीव हो गया है। वो आप कहते हैं कि वो होगा नहीं, वो पास्ट टेंस में नहीं जाना है, वो प्रेजेंट टेंस में कि यस ये हो गया है। यू फील वो नहीं हुआ है, अभी आपके पास पैसे भी नहीं है, पर फिर भी जैसे मैंने उसने आपको बताया था कि वो आपको इस तरह से लिखना है कि वो आपको लक्ष्य अचीव हो गया है। और मस्ट पेस्ट फोटो ऑल्सो, आपको अपने उस लक्ष्य के सामने उस गोल का एक फोटो भी लगाना है। एक पेज पे एक ही आपको वो सपना लिखना है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल के तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा गोल है, मैंने मान लीजिए अपना गोल लिखा। कई लोग गोल कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ जो बुक में मैंने मेंशन भी किया है। मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य हो गया। बहुत से लोग ऐसे लक्ष्य लिख लेंगे, हाँ मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए। यह एक बेकार लक्ष्य का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस एक लक्ष्य ना मापने योग्य है, ना ही इसमें समय की प्रतिबद्धता है। दोस्तों एक लक्ष्य कैसा होगा, इसका दूसरा उदाहरण, मैं 1 जनवरी 2021 को हुंडई क्रिएटा टॉप मॉडल व्हाइट कलर की खरीदूंगा, खरीद ली है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है।
ठीक है, ये दोस्तों मैंने खरीद ली है, इस तरह की बातें जब आप चीजों को लिखेंगे तो वो एक ये एक सही लक्ष्य लिखने का तरीका होगा कि मुझे एक जनवरी भी है, सन भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ब्रांड उस मॉडल का नाम भी लिखा हुआ है, उसका मॉडल भी लिखा हुआ है और उसका कलर भी लिखा हुआ है, तो ये स्मार्ट एक ड्रीम होगा दोस्तों। फिर मैंने एक बात आपको बताई, द गोल इज इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज, ये सपना क्यों जरूरी है, आप उस सपने के पीछे, अगर मैंने गाड़ी का सपना बनाया है तो कई लोगों का सपना बनाने के बाद पूरा नहीं हो पाता, कई बार वो उसका रीजन नहीं डाल पाते, अरे यार मेरे तो एक बड़े भाई के पास या मेरे साडू के पास या मेरे चाचा जी के पास गाड़ी है और मेरे पास गाड़ी नहीं है, उस गाड़ी ना हो पाने की वजह से मुझे कितनी दिक्कतें होती हैं, उनका परिवार तो जब शादी में जाता है तो फटाफट गाड़ी में बैठ के सब लोग चले जाते हैं या घूमने जाता है और हम लोगों को बसों में जाना पड़ता है, रिक्शा में जाना पड़ता है, तो ये एक तरह से रीजन हो गया उस लक्ष्य को प्राप्त करने का। एंड देन स्टेप दैट आई विल टेक टू रीच द गोल आर, मतलब उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स उठाऊंगा, मुझे क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, वो आप डिटेल में लिखिए कि हाँ मैं आज रिएक्शन में हूं तो मुझे ये डायमंड बनना पड़ेगा, तो यहां से पैसा आएगा, ये इस तरह से एक प्लानिंग करके अपने आप को कीजिएगा। हमेशा गोल याद रखिएगा, तीन तीन टाइप के गोल होंगे आपके में, तीन तरह से उस गोल को विभाजन कर लीजिएगा। पहला विभाजन होगा शॉर्ट टर्म, पहला तरीके का जो गोल होगा वो होगा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म गोल होंगे, मीडियम टर्म गोल होंगे एंड लॉन्ग टर्म गोल होंगे। शॉर्ट टर्म में 1 से 6 महीने के गोल आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप नहीं है, भैया मुझे लैपटॉप, छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए किसी के घर में फ्रिज नहीं है, किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है, किसी के घर में बाइक नहीं है, किसी के पास कोई अच्छा मोबाइल है, इस तरह के छोटे 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 सपने आप उसमें अपने गोल को डाल दीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। एंड मीडियम टर्म, मीडियम टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, जो मिड टर्म के हो गए, जो आपको 6 महीने से लेके साल भर के 1.5 साल तक के आपके एक मीडियम टर्म में, हाँ भाई मैं अभी एक किराए के मकान में रहता हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए 3,000 रुपए किराया है, अच्छा मकान मैं जो ले रहा हूँ वहां 8 से 10 हजार रुपए का किराया है, तो चलो अभी मैं, मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो है कि मुझे एक बंगला खरीदना है, लगभग वो 50 लाख का है, पर सबसे पहले तो मैं यहाँ की लोकेलिटी चेंज करके एक दूसरी लोकेलिटी में जाता हूँ, एक इस तरह का भी किसी का कुछ हो सकता है, राइट। या मुझे अभी, मेरे पे एक पुरानी बाइक है, मुझे बाइक को हटाना है और नई बाइक खरीदनी है, ये वाली बाइक 80,000 रुपए की आ रही है, तो मुझे जो है वो एक मेरा मीडियम टर्म हो गया। ओके, मेरा लग्जरियस टर्म हो सकता है कि मैं जरूर 1 लाख की बाइक खरीदूं, 2 लाख की बाइक खरीदूं, पर अभी मुझे एक 80,000 रुपए की बाइक का लक्ष्य मुझे बनाना है। फिर और एक साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाना है, नॉट इवन की शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म के बीच में फंस जाए, लॉन्ग टर्म अगले 5 साल तक के ड्रीम क्या है। यस, मेरे पास एक जो है बड़ा सा 1 करोड़ रुपए का बंगला होगा, 3 BHK फ्लैट होगा, ठीक है, या एक बड़ी लग्जरियस लाइक जैसे अभी किया की नई गाड़ी आई है, एक वो गाड़ी होगी 35 लाख 40 लाख की, मर्सिडीज बेंज होगी, इस तरह का कोई बड़ा ड्रीम, फॉर्चूनर होगा, बड़ा और बड़ा ड्रीम, और बड़ा ड्रीम बना सकते हैं। या मेरे पे एक ऐसा चीज होगा कि जो चीज मैं, मेरा सपना था कि ये मेरा सपना था कि मुझे किसी का सोशल सपना भी हो सकता है, हाँ भाई एक गरीब बच्ची की शादी करनी है, लगभग 4-5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, वो मैं एक सोशल कॉज के रूप में एक सपना करूंगा, इस बार सर्दी आएंगी तो मैं 1,000 कंबल बांटूंगा, उन जरूरतमंद को दूंगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से दिहाड़ी मजदूर थे जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, सही है मैं कम से कम 10,000 20,000 50,000 या जो भी मेरी अमाउंट है उस अमाउंट का मैं उन परिवारों को रोजमर्रा के लिए खाना दूंगा। ऐसा कोई भी ड्रीम जो सोशल कॉज से रिलेटेड हो वो ड्रीम आप बना सकते हैं, और सोशल कॉज से रिलेटेड ड्रीम ज्यादातर लोग तब बना पाते हैं जब उनका अपना खुद का पेट भरा हुआ होता है, मेरा मानना है। तो इसलिए आपको खुद सफल होना है और सफल होने के बाद वो लोगों को भी सफल करना है जो लोग हमारे साथ इस सपने में चलेंगे। और दोस्तों हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात समाज सेवा में मानता हूं कि हमें रोजगार दे दिया, लाखों लोग आज सफल लोग हो रहे हैं जिनके द्वारा आप ये टीवी बिजनेस देते हो, वो लोग आज 10-20-50-1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने लगते हैं, तो कितना बड़ा एक समाज सेवा का काम ये भी है कि हम लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य के माध्यम से भी सफलता दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के ड्रीम आपको लॉन्ग टर्म में सेट करने पड़ेंगे जो आपके फ्यूचर ड्रीम्स होंगे। मेरी बेटी है, 5 साल की बेटी है, 15 साल बाद मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे परिवार में अगर खानदान में कोई शादी होती है तो वो एक मिनिमम शादी 10 लाख में 15 लाख में 20 लाख में होती है, और जब
मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी 20 साल बाद 22 साल बाद मैं उसकी शादी करूंगा, कम से कम 25-30 लाख 50 लाख रुपए चाहिएगा, वो पैसा कहां से आएगा 50 लाख रुपए। वो रीजन मुझे मिल गया मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम का, और वो लॉन्ग टर्म ड्रीम कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और 50 लाख रुपए डीएक्शन से कमाऊंगा, क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, ये इतना ऐसे करूंगा, ऐसे करके एक प्लानिंग करना, इसको हम ड्रीम सेट करेंगे। दोस्तों इस तरह से आप इनको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के रूप में बांट लीजिएगा। आराम से अपनी डायरी में फुल पेज डायरी, फुल एक पेज पे एक ड्रीम, एक पेज पे एक ड्रीम। और आपको एक बात जो मैं बता रहा था और अगेन इंफेसाइज करूंगा, मान लीजिए मेरा सपना एक बाइक का था, तो आप या एक बड़ा सपना कोई घर का था, आपने देखा कि न्यूज़पेपर उठा लीजिए, पुराने न्यूज़पेपर, उसमें कलर्ड फोटो आती है, बाइक की फोटो आई, लैपटॉप की फोटो आई, घर की फोटो आई, कोई अच्छा सा फॉरेन ट्रिप की फोटो आई, ये आप उनको काट लीजिए और उसको काट के आप उस एक पेज पे एक ड्रीम वहां पे पेस्ट करिए। लेफ्ट पेज पे आपने वो फोटो पेस्ट किया और राइट साइड में आप उस जगह मेंशन कर दीजिए कि ये सपना है मेरा, ये मेरी तारीख है, इस तारीख तक है, इस कलर का ये होगा और ये सपना मुझे क्यों जरूरी है, ये मेंशन करना। एक तरह से इस तरह से पेपर वर्क करिएगा, थोड़ा सा गोल सेटिंग में थोड़ा सा होमवर्क मांगता है, थोड़ा टाइम मांगता है। बढ़िया सर डेकोरेट कर दीजिए, हाइलाइटर से मार्क कर दीजिए, अलग अलग कलर पेन से भी आप उसे अच्छे से मार्क कर सकते हैं। और कई लोगों लोग अपना उस सपने को अपने फ्रिज पे चिपका दीजिए, जहां पे आप शेविंग है आपका एरिया है वॉशिंग का, वहां पे आप चिपका दीजिए, कि लेडीज है तो किचन में चिपका दीजिएगा उस सपने को। हमेशा दिन रात वो सपना आपके जहन में घूमता रहेगा, वो पिक्चर आपके घूमता रहेगा, आपको फील होगा यस, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा वो सपना, वो गोल आपको अपने भागने नहीं देगा। दोस्तों नाउ व्हाट अप टू यू, व्हाट यू वांट, आपका जैसे मैंने क्लियर किया, समराइज कर रहा हूं, व्हाट यू वांट, क्यों आपको ये सपना चाहिए, क्या है आपका वो सपना, वो लिखना है। व्हाई यू वांट क्यों है, और हाउ टू गेट इट, आप उसे कैसे पा सकते हैं, ये तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसे अपने सपने में जरूर मेंशन कीजिए। दोस्तों एक बहुत हॉट केक सपना आप लोगों को बना सकते हैं, ये एक ऐसा सपना है जो एकदम आपकी सोसाइटी में ट्रिमेंडस रिजल्ट लेके आता है। नो डाउट सबके अपने अपने सपने होंगे, बहुत से लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन एक सपना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जरूर एक सपना ये जरूर डालिए कि मुझे विदेश यात्रा लेना है। क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में बहुत से लोग विदेश नहीं जा पाए हैं, और जब उनके खानदान में वो रिलेटिव वो विदेश जाता है तो लाखों लोगों को ये प्रेरणा का कारण बनता है, अपने आप में वो आदमी एक पीआईपी हो जाता है, लोग उससे पूछने लगते हैं भाई तूने कैसे किया। क्योंकि फिर आप और आज के टाइम में, तो हमारे टाइम में तो हम लोग फोटो खींचते थे, सिंपल वाले कैमरे होते थे, फिर रील आती थी, रील से डेवलप कराते थे, फिर जाके हम किसी को दिखा पाते थे। लेकिन आज के टाइम में तो इतना अच्छा है, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, बढ़िया बढ़िया कैमरे मोबाइल्स में ही है, फोटो खींचा और आने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से वहीं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हम वो फोटो को पब्लिश कर देते हैं, लोगों को डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो जिससे लोगों को ये पता लगता है कि आप विदेश गए हो, आपका एक सपना पूरा हुआ है। आज भी लाखों लोगों की जरूरत है उस सपने को पूरा करने की। ये एक फॉरेन ट्रिप का सपना ऐसा है जो एक बहुत तेजी से पब्लिश होता है, हाईलाइट होता है, जिस तरह से मैंने बताए थे ड्रीम्स आपके बनाए होंगे आपने, उन सबके पिक्चर अब उसे गोल में बनाने के लिए इस तरह की बाइक का कोई फोटो, किसी महिला का एक्टिवा लेने का एक फोटो हो सकता है, 80,000 रुपए की एक्टिवा आ रही है, चलो भाई उसका एक फोटो काटता हूं, न्यूज़पेपर में ऐड आया है उसको पेस्ट करिएगा। और लैपटॉप है, किसी को अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करानी है, और घर बनाना है, ट्रेवल करना है, मस्ती करने जाना है, इस तरह का कोई वेकेशन पे जाना है, एक लग्जीरियस गाड़ी खरीदनी है, बेटी की शादी करनी है, इनके पिक्चर्स काट काट के लगाइए, बड़ा अच्छा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और रोज रात में सोने से पहले इनको एक बार देख लीजिए, सुबह उठने के बाद देख लीजिए, नजर मार लीजिए, हाँ ये मेरे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। आपको निगेटिविटी नहीं आएगी, एक अलग उरा आपके चारों तरफ डेवलप होता चला जाएगा और वो सपने में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को लिखिए, उन्हें पेस्ट कीजिए एक डायरी में, उस पर डेट डालिए, वो जाके आपका एक गोल डायरी धीरे 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 बनता जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है डीएक्शन में लाखों लोग, हर स्टेट में लाखों लोग, हमारे ग्रेट गुरु प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर एस रंजन,
इन लोगों के सानिध्य में, इनसे ही ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं हमने इनसे ही कहीं ना कहीं सीखी हैं, और वो चीजें आज आपको डुप्लीकेट कर पा रहे हैं। इनके सानिध्य में लाखों लोग, मैं भी अगर आज आप बात करेंगे तो ये बातें हमने उनकी ट्रेनिंग्स में सीखी है। आज आप बात करेंगे यूपी के ना जाने कितने धुरंधर बड़े बड़े लीडर्स, आज ये सीखने के बाद ये सब चीजें आज बता पा रहे हैं, उन्होंने ये सब किया है। जैसे आप अभी देख रहे थे कुंदन जी को आपने कल देखा, उसके पहले मुकेश वर्मा जी, आर डी पटेल जी, नरेंद्र त्रिवेदी जी और ये रीता रवि, जितने भी लोग हैं अब ये देखो इन सब ने वही काम तो किया है। तो जो लोग आज नए हैं बैठे हैं, अगर आप ये देखें, आप बिहार का पूरा रोड मैप आप देख लीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज लाखों लोगों के परिवारों के घरों में, जहां एक सपना ही होता था एक छोटी बाइक और एक छोटा एक्टिवा या एक घर या एक गाड़ी जैसा सपना होता था, लोगों ने वो पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं। अगर एक कहावत कही गई है, इफ ए मैन कैन डू ईच एंड एवरीबडी कैन डू, दोस्तों अगर कोई एक आदमी कर सकता है तो हर एक आदमी वो काम कर सकता है। तो दोस्तों ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये बातें सिर्फ प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ और सिर्फ हकीकत है जो आज पूरा डीएक्शन मैनेजमेंट, पूरा आरवीसी, पूरा एक एक लीडर आपको अपनी दिल खोल के सारी बातें बता रहा है कि यस आप भी सफल हो जाओ। और वो आप भी सफल हो जाओगे तो वही हमारी एक जीत होगी। आज जहां हम हैं वहां हमारे हमारे फैमिली के, हमारे आप जैसे लोग, वो सब लोग वहां सब लोग पहुंच जाओ, वही हमारा एक अचीवमेंट होगा। यस हम सब लोग मिलकर सफल हुए। अगर हम डीएक्शन के कंसर्न में हम बात करेंगे तो हमें डीएक्शन के कंसर्न में गोल कैसे बनाने हैं, एक स्टार एजेंट का पिन है, एक स्टार रूबी का पिन है, एक स्टार डायमंड का पिन है, एक क्राउन डायमंड का पिन है, एक गोल्ड डायमंड का पिन है, ऐसे करके क्राउन एम्बेसडर का पिन है। ये सारे पिन्स को आप लिख लीजिएगा, एक एक पेज पे लिख लीजिए, स्टार एजेंट मुझे इस तारीख तक बनना है, स्टार रूबी मुझे इस तारीख तक बनना है, स्टार डायमंड इसके लिए मुझे, आपको ये भी पता होना चाहिए स्टार डायमंड के लिए क्या होता है, कैसे बनता है। बहुत से लोगों ने गोल तो बना लिया, हाँ स्टार डायमंड बनना है, लेकिन मैं ये नहीं पता मुझे छह लाइन अपने नीचे फ्रंट लाइन में स्टार एजेंट बनानी है, ये छह लाइनें हैं इनको मैं स्टार एजेंट बना के मैं स्टार डायमंड बनूंगा। एक स्टार एजेंट का, एक स्टार रूबी का, डायमंड का, तो आप डेट डालिए, एक आप मंथ डालिए, आप उसमें ईयर डालिए, कौन सा वो सन है जिसमें मुझे वो क्राउन एम्बेसडर पूरा करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम, मैं अगर अपनी बात करूं तो ये सब चीजें मैंने ऐसे ही पूरी करी हैं, ऐसे ही मैं वहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों हमारे डीएक्शन में एक बहुत हिडन बेनिफिट देती है और बहुत कम लोग उस, वो कॉमन टू ऑल है वो बेनिफिट, वो बेनिफिट सभी के लिए है वो बेनिफिट। सो दोस्तों एक बहुत अच्छा बेनिफिट कंपनी हमें देती है, उस प्रॉफिट का नाम है, उस प्रॉफिट का नाम है 5 स्टार रूबी प्रॉफिट। वो 5 स्टार रूबी प्रॉफिट हमें पूरा करना होता है, 1,00,000 रुपए हमें मिलते हैं। दोस्तों इसका पूरा एक प्लान इसी ड्रीम डायरी पे, मैं गोल डायरी पे ही आप पूरा प्लान बना लीजिए। ये 5 लोग मेरे ऐसे हैं जो मुझे 5 स्टार रूबी बनाएंगे, 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट का 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का एक ऐसा हैंडसम अमाउंट है जो एक मुश्त आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर बोनस, बोनस के अलावा जो भी मेरा बोनस है उसके अलावा ये आपके सपने पूरे करने में बहुत मदद देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपने देखा गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास अभी पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आपने ये 1,00,000 रुपए का आपने अरेंजमेंट कर लिया तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए एक आदमी को बाइक खरीदना है, 80,000 का बाइक है, 40-50,000 का लैपटॉप है, 20-25,000 का मोबाइल है, तो ये सब देख के मिला जुला के बना लगभग 1,12,500 रुपए का लगभग ये बन रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये एक मुश्त, कई बार लोग लोन ले लेते हैं, हम कहते हैं चलो लोन भी ले सकते हो आप, ईएमआई वगैरह दे सकते हो, लेकिन अगर आप एक टारगेट ऐसा कुछ बना लो कि आपने 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का नाम डाल दो 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट, इसमें आपको जब खुद रूबी बनते हो तो आपको 12,500 रुपए मिलेगा, 5 स्टार रूबी बनाओगे तो आपको 1,00,000 मिलेगा। तो ये आपको एक मुश्त मोटा मोटे तौर पर 1,00,000-1,25,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो आप एक बाइक खरीद लो, आप एक लैपटॉप खरीद लो, आप एक मोबाइल खरीद लो, एक हाउसवाइफ को आप क्या सपना बनवा के दे सकते हैं, ड्रीम एक्सरसाइज क्या करवा सकते हैं। भाई देखो आप एक गोल सेट करो, एक वॉशिंग मशीन ले लो 30-40,000 रुपए की, एक माइक्रोवेव, एक मिक्सर जूसर और एक एक्टिवा, ये सब मिला के 1,00,000-1,25,000 का आ जाएगा, एक ऐसा ड्रीम बना डालो। आप एक काम करो जी, एक गोल्ड खरीद लो, आज 35,000 का रेट हो गया है, हम एक काम करते हैं 1,00,000-1,25,000 रुपए हम आपको कमवाते हैं, आप गोल्ड खरीद के डाल दो, ये गोल्ड जो है आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए काम आएगा। ठीक है, एक ऐसा किसी परिवार का एक लक्ष्य बनवा सकते हो आप
बच्चों की शादी के काम आएगा। एक लक्ष्य बनाओ आप एक गाड़ी का कि हम भाई आप किसी शोरूम पे जाओ, हाँ जी हमारा एक ड्रीम है, इसकी क्या ईएमआई है। मान लीजिए आपका जैसे कोई 10 लाख की गाड़ी आपने ड्रीम बनाया, उस 10 लाख की गाड़ी का ड्रीम आपने देखा भाई कितनी ईएमआई है, हाँ भाई सर आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और बाद में फिर हम आपकी ईएमआई 5,000 रुपए 6,000 रुपए जो भी 10,000 रुपए मंथली आती रहेगी और आपके पास ये बाइक आ जाएगी, ये गाड़ी आ जाएगी। तो 1 लाख रुपए एक मुश्त कई लोगों के पास इकट्ठे नहीं हो पाते थे। तो हम आप उन लोगों को ड्रीम दे सकते हैं भाई 1 लाख रुपए 5-स्टार रूबी का प्रोजेक्ट बनाओ, इस प्रोजेक्ट पे काम करके एक मुश्त 1 लाख रुपए उठाओ और आप ये जाके जमा कर दो और एक आप गाड़ी खरीद लाओ। ऐसे करके आप एक ड्रीम बिल्डअप कर सकते हैं। एक फ्लैट आप ले लो, कई लोगों ने तो ऐसे फ्लैट ले लिया, उन्होंने देखा हाँ 20 लाख रुपए 25-30 लाख रुपए का फ्लैट था और वो एक मुश्त रकम 1.5 लाख रुपए मांग रहा था, उसने कहा फिर बाद में बैंक लोन हो जाता है, लोन हो गया तो वो मुश्त देके आप बुकिंग अमाउंट बुक कर सकते हैं। ऐसे कुछ कर सकते हैं दोस्तों। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अचीव योर गोल इन 10 स्टेप्स, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 10 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक्शन लेना होगा गोल बनाने के बाद, मेहनत भी करना पड़ेगा, ट्राई हार्ड। ये बातें मैं आपको फोन पे या व्हाट्सएप पे जूम पे बता रहा हूँ, ये बातें बताने में आसान है लेकिन यू हैव टू वर्क, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारा सब्जेक्ट प्रैक्टिस का है, राइट, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है दोस्तों। और ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे। एक्सप्लोर डिफरेंट वे, आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना, अब तक जो करते आए हो उसी तरह से करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, है ना। अब इतना बढ़िया बढ़िया जूम मीटिंग, इतने सफल लोगों का जूम मीटिंग मिलने के बावजूद भी अगर आप ये चीज नहीं कर पाए तो माय डियर फ्रेंड्स फिर मजा नहीं आएगा, है ना। एक एक लीडर आपको दिल निकाल के बताने को तैयार है, मतलब कितनी खुशी होती है कि एक एक बड़े बड़े लीडर्स आज अपनी पूरी अनुभव देने को तैयार हो रहे हैं आपको, जिससे आप लोग एक आम आदमी इस लॉकडाउन में, इस मंदी में, इस पूरी तरह से ब्लॉकेज में आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित ना होने दे। तो आपको डिफरेंट तरीके से सोच के आज उन लोगों की, जिन लोगों की आपने मीटिंग अटेंड करी है उनके लिए, उनकी मेहनत के लिए आपको सफल होके दिखाना है दोस्तों। एंड आस्क समवन फॉर एडवाइस, आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं। इतने लंबे लंबे चौड़े लीडर्स आपके पास हैं, प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना वासुपाल, और फिर अगर हम बिहार में बात करें तो श्री के अग्रवाल जी, सुरेंद्र जी, धर्मशीला जी, और ना जाने कितने अभी अपकमिंग लीडर्स, कुंदन आप देखो, रोशन देखो, रंजीत आप देखो, इतने अपकमिंग लीडर्स आप निकल के आ रहे हैं, जितना बढ़िया बढ़िया तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं हमारे। आप यूपी में आ जाओ तो मैं हूँ आपके सामने, इधर दीपक जी हैं, पुनीत जी हैं, उसके बाद नरेंद्र त्रिवेदी जी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, मुकेश वर्मा जी बहुत बढ़िया, सुभाष राय जी ने कल कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया, पटेल साहब हो गए, संजय पटेल, आर डी पटेल, और फिर इधर आप संजय पाल, ये सारे लीडर्स। उधर आप चंडीगढ़ साइड में चले जाओ तो हमारे राजीव भाई क्राउन एम्बेसडर हैं, कितने बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके सपोर्ट में है। नवजोत भाई हैं, आप मेरठ में आरके शर्मा जी हैं, दिल्ली में कबीर ढींगरा जी हैं, ऐसे ना जाने कितने डिफरेंट लीडर्स हैं आपके पास। आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो महाराष्ट्र में कितने बढ़िया प्रवीण सावंत कितना बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, संतोष देवकर जी हैं, और भी बहुत सारे सफल लीडर्स हैं। तो दोस्तों एंड नंबर, कितने लीडर आपको चाहिए, काम मैं तो देख रहा हूँ सक्सेसफुल लीडर बताने वाले ज्यादा हो रहे हैं और सीखने वाले अभी उतने नहीं हो रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये भर जाना चाहिए, मजा तभी है कि आप लोगों से एडवाइस ले सकते हो, यू अपना बेस्ट। तो देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, हर लीडर अपना बेस्ट दे रहा है, आपको अपना बेस्ट देना है दोस्तों। हमारे बेस्ट, हम तो सब सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तब उससे अब काम नहीं चलेगा। अब आप लोग जो आज हमारी ये मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, आपको इस गोल सेटिंग करके आपको अपना बेस्ट देने का नंबर आ गया है। लर्न हाउ टू अदर्स डिड इट, आपको ये सीखना पड़ेगा ये कैसे लोग करें और लोग कैसे ये काम करें, ये आपको सीखना पड़ेगा। बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करो, आपकी जो मजबूती है स्ट्रेंथ है उनको मजबूत करो। रिवाइव एंड फिक्स मिस्टेक, आप अपनी मिस्टेक देखो, गलतियां एक गलती आप करो, कोई गलतियों की वो नहीं है कि आपने गलती करी, पर वो गलती अगर बार बार रिपीट करते जाओगे तो वो फिर एक मिस्टेक बन जाती है, तो वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई नई गलती हो चलेगा, ठीक है। और जब आप एडवाइस लेके करेंगे, ट्रेनिंग लेके करेंगे तो काफी मिनिमल हो जाती है वो, काफी कम से कम हो जाती है वो गलतियां हो, है ना। एंड दोस्तों डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है किसी भी टफ टाइम में, आप कहीं भी फंस जाओ आप लोगों से बात करोगे लोग आपके साथ हैं, आपको गिव अप नहीं करना है दोस्तों। मैंने कई बार देखा हमारे इतना समझाने के बावजूद भी या पहले से भी लोग, व्हाई डू नॉट पीपल सेट गोल्स, क्यों नहीं लोग अपने सपने बनाते। फेयर टू चेंज, लोगों को बदलाव से डर लगता है, सर अभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कल गाड़ी खड़ी कर ली बाहर, तो सर क्या बात कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, मैं सूट बुटेट नहीं था, मेरे पे एक भी सूट नहीं था, अभी तो आप कह रहे हो सूट। कई लोगों ने सूट का सपना बनाया, टाई का सपना बनाया, जब स्मॉल ड्रीम्स की हम बात करते हैं,
छोटे छोटे सपने बनाए, तो अरे हम सूट पहनेंगे, टाई पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे इन सब से छोड़ दो, इस फेयर को आपको निकालना है, फेयर टू फेलियर। अरे यार सर सपना बना लिया, लक्ष्य बना लिया और वो पूरा नहीं हुआ, तो इस वजह से लोग अपने सपने नहीं बनाते हैं। फेयर टू विनिंग, उन्हें जीतने का डर रहता है, जीत गए तो क्या होगा सर, लोग तालियां बजाएंगे, मैं तो सर बड़ा शाई हूं, मुझे तो बड़ा एम्बेरस फील होगा, लोग मुझे मेरा उदाहरण देंगे, नहीं नहीं सर। एंड पीपल डू नॉट नो हाउ टू सेट गोल्स, और एक रीजन ये भी था आज से पहले कि लोगों को ये पता नहीं था कि गोल सेट करने कैसे हैं, ये रीजन की वजह से बनाते थे। लेकिन दोस्तों अब ये सारी बातें मुझे मिथ्या लगती हैं, अब आपको ये भी पता लग गया है गोल कैसे बनाते हैं, गोल बनाना आपको आना लगा है, बार बार ये ट्रेनिंग्स हो गई हैं, होती रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अपने शैली से बातें बताता रहेगा। और अभी तो आपके सामने सिर्फ ये बातें ही नहीं है, अगर आप देखें जो 7 बजे हमारा आरबीसी का यूट्यूब पे चैनल चलता है जिसमें लोग सक्सेस स्टोरी बताते हैं, उसमें तो आप देखो ना ये जो बातें लोगों ने गोल सेट किए थे और उसके बाद वो अचीव कर लिए हैं, वो वहां पे उसका प्रूफ है कि यस उन्होंने गोल बनाए थे, आज उनके पास वो चीजें हैं, राइट। सो दोस्तों ये चीजें अब आपके लिए वो नहीं है जो आप सिर्फ ये सोचें कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये रियलिटी है। व्हाट कैन यू डू टुडे टू ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल, आप आज जो कर रहे हो वो आपको लेके जा रहा है आपके उस लक्ष्य के एक कदम पास। आपने कल सपना देखा था, आपने उस सपने को डायरी में लिखा था, आज देखो एक कदम आप और आगे चले गए, अब आपको गोल उस सपने को लिखना आ गया, एक पेज पे एक सपना लिखना है आपको, प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको, उसे जो है डेट डालना है, उसमें कलर लिखना है, उसकी कंपनी का नाम लिखना है, उसको क्यों हासिल करना है ये बात लिखनी है, ये अब आपको देखो एक कदम क्लोज हुए थे ना, कल एक कदम क्लोज हुए, अब एक कदम और क्लोज आप हो गए। और दोस्तों कल का जो टॉपिक आप लेंगे ना उससे एक कदम और क्लोज चले जाएंगे, क्योंकि कल जो हम बात कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के ऊपर, लिस्ट कैसे बनाना है, इन सपनों को पूरा करने के लिए कैसे अब आगे बढ़ना है उस पर हम कल बात करेंगे। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, एक छोटा सा बीज हमने बोया था, अब जब हमने इस लॉकडाउन की मैं बात करूं, डीएक्शन में तो नो डाउट आप कई टाइम से होंगे, अगर हम इस लॉकडाउन में ही बात करें तो वो बीज हमने बोया था 24 तारीख को, 24 तारीख से हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिए थे अपने, और बीज बोया था, देखो आज अगर देखोगे अपने आप को, देखो आप उस दिन से और आज तक में थोड़े बोले पत्ते खिल गए हैं, कपोलें फूट गई हैं उनमें से आपके अंदर से, अब धीरे धीरे पानी खाद रोज लग रहा है, जूम मीटिंग्स के द्वारा मोटिवेशन के द्वारा रोज खाद पानी लग रहा है, देखो 10-15 पत्ते निकल आए हैं, और कुछ लोग तो इतने फ्लोरिश कर रहे हैं कि उनके अंदर फूल निकलने शुरू हो गए हैं, और बढ़िया पाइप लगा के पानी देना पड़ रहा है, और अब देखो धीरे धीरे एक बहुत बड़े रिजल्ट पेड़ की तरह बन के चले जाएंगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, हेल्प अदर्स अचीव देयर ड्रीम्स एंड यू विल अचीव योर्स। दोस्तों ये बहुत अच्छा सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, हम मदद कर रहे हैं आज, लोग सारे लोग मदद कर रहे हैं, हर सफल आदमी मदद कर रहा है कि आप लोग सफल हो जाओ, और डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो हमारे जो अपने सपने हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। ये सारे सपने आज हम लोग पूरे कर चुके हैं, डीएक्शन की बदौलत लाखों अनगिनत सपने मैं अपने पूरे कर चुका हूँ, लाखों लोग हमारे सफल लीडर्स अपने अपने सपने पूरे कर चुके हैं। अभी हमारे सपने हैं कि हमारे अपने हर आदमी की अपनी अपनी टीम में 10-10 हजार लैपटॉप आ जाएं, उनकी टीमों में 2-2 हजार 10-10 हजार वो टू व्हीलर्स लोग परचेज कर लें, लोग 10 हजार लोग कम से कम फोर व्हीलर मेंटेन करें, 5 हजार लोग 1 लाख से ऊपर की इनकम पे पर मंथ पे आ जाएं, 5 हजार लोग अपने अपने घरों में आ जाएं, 5 हजार लोगों के फर्निश्ड ऑफिस हों, और 10 हजार से भी ज्यादा लोग विदेश यात्रा का आनंद ले चुके हों। ऐसे दोस्तों आप अपने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े टारगेट बना के आप आगे बढ़िए। दोस्तों आप वो सब पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आप पाना चाहते हैं, बस आपको उसका आह्वान करना है, आपको उसको बोलना है, यस आई वॉन्ट दिस। देखिए परमात्मा उसे तथास्तु, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं, भगवान ने तो तथास्तु बोलना है, उसने ना धर्म देखना है, ना जाति देखनी है, ना रंग देखना है, ना आपको देखना है, ना आपके पिताजी को देखना है, ना आपके बिजनेस को देखना है, उसको सिर्फ एक देखना है, तथास्तु। तथास्तु मीन्स कि आप जो सोच रहे हो वो आपके साथ हो जाए। आप सोच रहे हो यार ये सब चीजों से कुछ नहीं होता है, सब किताबी बातें हैं, बेकार बात है, भरत तो बोलता है, ये तो कंपनी बोलती है, मेरा प्लान तो बोलता है, तथास्तु मेरे साथ वैसे ही होगा। वहीं दूसरा एक लीडर, दूसरा एक व्यक्ति ये सोचता है नहीं, ये जो बातें बताई जा रही हैं इन बातों में जरूर कुछ वजन होगा, और वो शत प्रतिशत हमारी बताई गई बातों को फॉलो करता है, तो
ऊपर से क्या आया, तथास्तु। एंड आप देखेंगे अगले एक साल के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका होगा, उसके पास वो सारी चीजें आ चुकी होंगी जो वो पाना चाहता था। तो दोस्तों आपको आह्वान करने की जरूरत है। एंड अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, अराइज अवेक एंड स्टॉप। ये मैं बहुत जब छोटा था तब मैंने विवेकानंद जी को जब पढ़ा था तो उनकी एक बात मुझे हमेशा आज तक याद है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जब तक नहीं रुकना है दोस्तों। इसी प्रकार आज के इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। ये जो टॉपिक हमने शानदार टॉपिक कवर किया है जिसमें हमने जाना है कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, ये लक्ष्य का निर्धारण अगर आपको करना आ गया है तो आपको मदद मिलेगी। और आपका ये होमवर्क भी है दोस्तों कि आपको अपने उन सपनों को लक्ष्य में निर्धारित करना है। आज रात में सोने से पहले पहले आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। कर लिया है, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसी जगह आओ जहां पे हम और ना जाने और कितने सफल लीडर्स हैं और हम सब लोग आपके साथ हैं दोस्तों इस टॉपिक के साथ। कल जो हम बात करेंगे, हमारा कल का टॉपिक होगा लिस्ट बनाने के ऊपर, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट को आगे आपको बताना है और उस लिस्ट के बाद कैसे उसको इनवाइट करना है। ये दो टॉपिक हैं कल हमारे, दो टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे। यानी आज हमारा पहला स्टेप ड्रीम, दूसरा स्टेप गोल सेटिंग, तीसरा स्टेप है लिस्ट बनाना और चौथा स्टेप है इनवाइटिंग एंड क्या बोलते हैं इनवाइटिंग एंड इनवाइटिंग इनवाइटिंग कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है। और ये चार दो टॉपिक हम कल कवर करेंगे। या सो मेरी शुभकामना है आप सभी लोग सफल हो जाएं और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं पूरे मैनेजमेंट को, इन्होंने प्रोडक्ट के लिए भी बहुत एफर्ट्स किए हैं हमारे घरों पे पहुंचाने के। आने वाले समय में सभी जगह पहुंचने शुरू हो जाएंगे, बहुत एफर्ट किया है पीछे से मैनेजमेंट ने। वो जो सर्टिफिकेट, वो जो लेटर कंपनी ने गवर्नमेंट से लिए हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है बेसिक नेसेसिटी में, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं, आयुष मंत्रालय जो हमारे प्रोडक्ट है उससे आयुष का सर्टिफिकेट लिया है, बहुत एफर्ट कर लगे हैं मैं जानता हूं। और उसके साथ ही साथ में विजय जी ने कमान संभाली भी है कि हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा जाए, कोई भी डिप्रेशन में ना जाए, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी निगेटिव ना हो। सुबह से ही 11 बजे से मीटिंग लगनी शुरू हो जाती है। कल जैसे 11 बजे नहीं थी, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे सर आज की मीटिंग का मैसेज क्यों नहीं भेजा आपने। मतलब लोग पीपल आर अल्कोहलिक फॉर जूम मीटिंग्स विजय जी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स मैं सभी लोगों को और आप सब लोग जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो। देखो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, आप सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये भी अपने आप में, हजार लोग मीटिंग्स में ऊपर ही जाते हैं और आप लोग मीटिंग अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, कई बार कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि नोट्स बना के ये मदद करेंगे आपको। और इसके फिर YouTube लिंक्स भी आपको मिल जाते हैं जिससे आप अगर कोई चीज छूट गई है या कोई बंदा जो अटेंड कर सकता था नहीं कर पाया वो बाद में YouTube के थ्रू इसको देख सकता है। तो बहुत पूरी एंटायर मैनेजमेंट, एंटायर टीम लगी हुई है आपके साथ में, हम सब मिलके एक साथ हैं और डेफिनेटली हम सबको पता है हम बहुत आगे बढ़ेंगे और सपने पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू भरत जी, और खुशखबरी दे देता हूँ आप सभी लोगों को, हमारा भोपाल का ब्रांच भी ऑपरेशन आज से स्टार्ट हो गया है। जो MP के लोग हैं भोपाल वो स्टार्ट हो गया है और छत्तीसगढ़ भी हमारा सामान जाना शुरू हो चुका है। और साथ साथ दोस्तों और भी अच्छी गुड न्यूज़ पाइपलाइन में लगी हुई है, बहुत जल्दी यूपी वालों को भी बहुत बड़ी न्यूज़ मिल जाएगी, सो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें हमारे सारे नेटवर्क का, लीडर्स का भी सहयोग हमें मिल रहा है, जहाँ से जितने सोर्सेस मिल रहे हैं उन सोर्सेस को हम यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि हमें थोड़ा सा अधिकारियों को समझाना पड़ रहा है, और एक अच्छी बात भी है, अधिकारी अब समझ रहे हैं कि DXN के प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं और उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक हमें पहचान भी मिल रही है। तो एक हमारे लिए एक जो प्रॉब्लम है वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आई है। तो DXN का जो कल्चर है वो हमेशा क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं हम, तो समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम को, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, भरत जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भरत जी फॉर गिविंग अ सच ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड वंडरफुल दैट इज ट्रेनिंग टू एंटायर DXN नेटवर्क। उन सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ DXN मैनेजमेंट की तरफ से, जिन्होंने अपने ग्रुप्स को इसके लिए इन्वाइट किया और जो स्वयं मीटिंग में पहुंच के अपने लोगों को एनकरेज करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि मीटिंग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, घर में रहें, सेफ रहें, स्टे होम। कल फिर हम मिलेंगे दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरत जी।